हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एक दिन और कल एनिमल मूवी आ जानी है, यानी जो जानवर जब से तड़फड़ा रहा है अपने पिंजरे से निकलने को, कल 1 दिसंबर को ये खूंखार तरीके से पहला हमला करने वाला है। और इसके जो EMIs हैं, जो इसकी किस्त हैं, जो भरी जा रही हैं, इट मीन्स ये कि जो एडवांस बुकिंग चल रही है हार्ड लेवल पे चल रही है। बुक माई शो इंटरेस्टेड क्या है, ट्रेलर को अभी तक कितना रेस्पॉन्स मिल चुका है, क्योंकि इस बार ट्रेलर ने बहुत आग लगाई है। एनिमल का ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी हम इसको इजिली बोल सकते हैं, इस साल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेलर तो बोल ही सकते हैं। तो अभी सब चीज़ों पर बात करेंगे, हिंदी से क्या बुकिंग हो चुकी है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, IMAX शोज भी ओपन हो चुके हैं, सभी चीज़ों पर एक एक करके नजर मानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। डे वन का कलेक्शन मतलब ओपनिंग क्या रहने वाली है इसके बारे में अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बुक माई शो इंटरेस्टेड इस मूवी का कितना पहुंच चुका है, 380,000 देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लियो मूवी का इस टाइम पर 1 मिलियन पहुँच चुका था, और उसके बाद जवान, पठान, ये 600,000 या 700,000 के आसपास, मतलब ये कि 6.5 या 7 लाख के आसपास बुक माई शो इंटरेस्टेड का पहुंच चुका था। लेकिन एनिमल जो ए रेटेड मूवी होने के बावजूद जो जैसा रेस्पॉन्स इस मूवी को मिल रहा है, क्योंकि एडल्ट कंटेंट है, वायलेंस, ब्रुटैलिटी, खून खराबा हर कुछ खोल के मिलने वाला है, जिसमें कोई भी ना रूल्स है, ना रेगुलेशन है, ना कोई लिमिटेशंस है। संदीप रेड्डी वांगा रणवीर कपूर को एज एनिमल तो ला रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये बंदा अपने अंदर का एनिमल बाहर निकाल रहा है अपनी जबरदस्त फाइनेस्ट डायरेक्शन के साथ। ट्रेलर ने कितना व्यूज गेन कर लिया है, 74 मिलियन व्यूज गेन कर लिया है भाई। जवान के भी रिकॉर्ड को भी ब्रेक डाउन कर दिया, पठान का ट्रेलर अभी तक सबसे ऊपर है, लियो मूवी के ट्रेलर के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया, जो एक्शन मास में अभी तक जबरदस्त बताई जा रही थी। लेकिन एनिमल का ट्रेलर भाई, एनिमल जैसी वायलेंस कोई मैचअप नहीं कर पाएगा। हाँ, सालार में वो पोटेंशियल है जो कल उसका ट्रेलर आ जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी ए रेटिंग की सर्टिफिकेट मिली है, और एनिमल ने अपने ट्रेलर से जो हमारे मुंह में खून लगाया है, अगर इससे ऊपर मिल गया तो ठीक है, सालार में दम है, वरना अगर इसके आसपास आता है तो उतना ज़्यादा। फिलहाल हिंदी से एनिमल ने कितना कलेक्शन कर लिया है, एडवांस से ही 18 करोड़, सिर्फ हिंदी सिंगल लैंग्वेज से इन्होंने एडवांस बुकिंग कलेक्शन ले लिया है, जिसमें से 6,21,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुके हैं। तेलुगु डब्ड वर्जन की बात करें भाई साहब, पहली बॉलीवुड की हिंदी मूवी है जिसे आफ्टर जवान, जिसे इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो भी तेलुगु में, क्योंकि साउथ में बॉलीवुड की या हिंदी मूवी को कोई भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। 2.7 करोड़, 2,70,00,000 के आसपास बुकिंग कलेक्शन सिर्फ तेलुगु डब्ड वर्जन से लिए, और आज का पूरा दिन बाकी है, आज 30 तारीख का, पूरी नाइट कल सुबह 6-7 बजे तक फुल बुकिंग चलनी है, तो यही आंकड़ा जो अभी 2,70,00,000 देखने को मिल रहा है, कब 4 करोड़ 4.5 करोड़ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तमिल डब्ड वर्जन की बात करें तो 7,30,000 की बुकिंग उन्होंने तमिल से ले ली है, एंड 5,750 टिकट उन्होंने तमिल डब्ड वर्जन से भेज दिए हैं। कन्नड़ा की बात करें तो कन्नड़ा लैंग्वेज में भी धमाल मचा रही है, ऑलमोस्ट 2 लाख की बुकिंग ये लोग कन्नड़ा वर्जन से ले चुके हैं। मलयालम एंड हिंदी IMAX में भी बुकिंग चालू हो चुकी है, बट नॉट इन अ बिग स्केल, स्मॉल स्केल में चालू हुई है, तो स्टार्टिंग अभी स्लो है, लेकिन हाँ, रात भर तक या फिर शाम तक बहुत अच्छा आंकड़ा हमें नजर आएगा। डेटा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना अच्छे से पता लग नहीं पाता है, ऑफिशियली ढंग से नहीं आया है, इसीलिए उसको कवरअप नहीं करेंगे। टोटल भाई, मुद्दे की बात पर आओ कि टोटल टिकट कितने बेच दिए हैं, लगभग 7,82,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं टोटल, ऑल लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, IMAX हिंदी, ऑल लैंग्वेज को मिला के, एंड ऑल्सो नेशनल चेन्स को मिलाकर 7,82,000 टिकट। अभी एक दिन पूरा बाकी है, पूरा दिन ये बुकिंग चलनी है, तो ये 10,00,000+ जानी ही जानी है, डे वन में 10,00,000+ टिकट ये लोग सोल्ड आउट कर ही देंगे। मुद्दे की बात पर आए कि भाई साहब बुकिंग कलेक्शन कितना हो चुका है अभी तक, लगभग 20,80,00,000 के आसपास, स्लाइटली टच कर रहे हैं 21 करोड़ को, औसम, बिल्कुल औसम है, क्योंकि टाइगर 3 के रिकॉर्ड को तो ये इजीली ब्रेक डाउन करने ही करने वाले, क्योंकि टाइगर 3 ने कितना किया था, 23 करोड़ फॉर ओपनिंग डे वन कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनिमल 23 करोड़ को तो क्रॉसओवर करने ही करने वाली है, ऑलमोस्ट स्लाइटली टच करेगी 26-27 करोड़, बट 25 करोड़ में ये जाने ही जाने वाली है, टच करनी ही करने वाली है। अभी शाम को जब आंकड़े बढ़ के आएंगे, घंटों में करोड़ों में डेटा पहुंच जाएंगे, क्योंकि हार्ड लेवल पर बुकिंग चल रही है, रैपिड फायर मोड पर बुकिंग चल रही है, और धमाकेदार तरीके से। तो भाई साहब, जब
बात ये आती है कि नेट इंडिया में क्या जवान के फर्स्ट डे के रिकॉर्ड को ये ब्रेकडाउन कर देगी जो 75 करोड़ लेकर बैठी है। पठान जो 54 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन लेके बैठी है, क्या इसको ब्रेकडाउन कर देगी? लियो जो 64 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन लेके बैठी है, इसको ब्रेकडाउन कर देगी? ये देखना बड़ा जबरदस्त होगा, टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इजली 50 करोड़ तो ये नेट इंडिया से टच करने ही करने वाले हैं। आप लोगों क्या लगता है, क्या 50 करोड़ भी क्रॉस कर जाएंगे? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।